राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 12 पदों के लिए आयोजित प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को सभी संभाग मुख्यालयों पर दो पारियों में आयोजित की गई। प्रधानाध्यापक में इस बार 97,262 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। यह परीक्षा दो सत्रों में सुबह और दोपहर तक आयोजित की गई। परीक्षा के लिए आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी थी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए भी विशेष बंदोबस्त थे। परीक्षा अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग मुख्यालय के 262 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अजमेर में 30 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा देने के बाद सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया। आज हम लोगों ने जीके का पेपर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट के लिए। पेपर बहुत अच्छा था, लेवल था, काफी क्वेश्चन से उलझे हुए थे, क्लियर नहीं थे। ऑलमोस्ट व्यवस्था सब बहुत अच्छी थी। कुछ साइंस से रिलेटेड थे जो ऑलमोस्ट 8 साल के बच्चों के लिए ऑब्वियस थोड़े टफ रहेंगे, क्योंकि केमिकल से रिलेटेड थे। तो एक साइंस का जो लेवल, जो हर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स लेवल मेंटेन रखे, वो चीज़ नहीं। अपने राजस्थान संस्कृति के बारे में अच्छा था और वर्ल्ड जीके का भी था समावेश। बाकी थोड़े कंप्यूटर के जो सवाल थे वो थोड़े टफ थे। बाकी स्टैंडर्ड था, पेपर का स्टैंडर्ड है वो अच्छा था। हिस्ट्री और साइंस तो इजी थी, थोड़ा कंप्यूटर टफ था इसके अंदर, और ऑल ओवर पेपर अच्छा गया, ठीक था। हिस्ट्री पेपर था, कट ऑफ का तो अभी दूसरा पेपर होने से पहले कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हिस्ट्री पेपर था, अच्छा पेपर था, पढ़ने वालों के लिए ठीक पेपर था, उसका फायदा मिला। कंप्यूटर का थोड़ा टफ था, कंप्यूटर हिस्ट्री और साइंस थी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।